क्या? हाँ, जब मिला था तब सीता माता का, तब सोना का था ना ये सब पूरा। पवन में आरती है ना। जय श्री राम मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अयोध्या हम लोग दशरथ महल आए हुए हैं, और दशरथ महल का तो यहाँ पे व्यू आपको दिखेगा ही, साथ में कनक भवन भी जाएंगे हम लोग, तो वहाँ का क्या महत्व है वो सब भी जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। कनक भवन का जो इतिहास है वो आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिख देंगे। बेसिकली शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि कनक भवन जो है, माता केकई ने सीता माता को मुंह दिखाई में दिया था। ये रास्ता का व्यू है, रास्ते गली में एक L&T जो काम कर रही है राम जन्मभूमि अयोध्या का, उसका वर्कर मिल गया, उससे कुछ बातचीत कर रहा था मैं। कौन सा मंदिर? कनक भवन में। तो उसमें कैसे, उसमें रूम दिया? हाँ। क्या रूम? एक रूम है, कमरे किराए से ले रखा है। किराए से ले रखा है। क्या रुपये का? 4,000। क्या आदमी का? 3 आदमी का। 3 आदमी में 4,000। हाँ। पानी उनी का व्यवस्था? हाँ सब है। कनक भवन का वैसे तो 3 गेट है, लेकिन ये वाला गेट जो विभीषण कुंड की तरफ जाता है स्ट्रीट, वो वाला गेट खुला रहता है, और इसी गली में मधुरम इडली डोसा जो फेमस दुकान है वो है, और इस गली में बहुत सारे मार्केट भी हैं, तो वो कुछ देखने को मिलेगा। और कनक भवन के अंदर भी पूरा भव्य भवन है, एकदम दिव्य तरीके से निर्माण कराया गया है, तो आप देख लीजिए लास्ट तक। कुछ 10 या 12 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप मुख्य द्वार में अंदर आ जाएंगे, और ये दशरथ महल से काफ़ी बड़ा है। दशरथ महल का तो रिनोवेशन चालू था, और उससे करीब करीब इसका जो प्रांगण है और इसमें जो कमरे बने हुए हैं उससे 10 गुना ज़्यादा है, और उससे देखने में भी बहुत अच्छा है ये, मतलब सोने की तरह दिखता है। अभी तो सोने का नहीं है, जिस टाइम में जब कई माता ने उनको दिया था सीता माता को, तब ये सोने का भवन हुआ करता था। और यहीं पे राइट साइड में एक गेस्ट हाउस भी है, होटल में, होटल टाइप का, वहाँ पे लोग शायद रुकते हैं। और लेफ्ट साइड में कुछ लोग रुकते हैं, वो वहाँ पे छोटे छोटे रूम हैं, वो जो शायद L&T का वर्कर बोल रहा था वो यहीं रुक कर रहा होगा।
पैदल चल चल के हम लोग थोड़ा सा थक गए थे, तो यहीं पे आराम कर रहे थे। और अब आरती का समय होने वाला था, तो आरती में शामिल होने के लिए थोड़ा सा आराम कर रहे थे। कनक भवन में आरती है ना, गर्भगृह में आरती के बाद प्रांगण में आने के बाद आप तुलसी माता का यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। चबूतरा बना हुआ है, बहुत ही साफ सुथरा एकदम प्रांगण, इतना ठंडा यहाँ पे बैठने के लिए लगेगा आपको कि दो चार घंटा बैठे रहें यहाँ से न जाएं, लेकिन समय तो आपका पीछा छोड़ता नहीं है, वहाँ से जाना पड़ता है। और बहुत ही अच्छा, मतलब ये देखने में भी अच्छा और बैठने में यहाँ पे इतना सुंदर हवा लग रहा था। ये देखिए यहाँ पे फूल माला बेच रहे थे भाई साहब, और आगे वीडियो में लाइव क्या क्या था वो सब देख लीजिए लास्ट तक। ये जो आगे आ रहा है वो डेली होता है, रोज यहाँ पे होता है आरती के बाद। Oh!
ये बधाई गीत था जो वो लोग गा रहे थे, और लास्ट में चलते चलते यहाँ पे लोग सीताराम सीताराम लिख रहे थे दीवारों पे, तो हम लोगों ने भी लिख दिया और अब घर की तरफ जा रहे हैं एकोमोडेशन की तरफ। हम लोगों ने हर वीडियो में आपको अच्छा अच्छा जानकारी देने का कोशिश की है, छोटी छोटी बारीकियों से अवगत कराने का कोशिश किए हैं, ताकि अभी कभी भी आप प्लान कर सकें, जब प्लान करें तो आपको ये हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।